मेरे अंदाजा 20 के आसपास की लीड होनी चाहिए, 20-22 हज़ार की लीड ले जाएगा आराम से। बयाने अलगो कांग्रेस ने जिता गयो और राव दान सिंह जीतेगो, अच्छे वोटर जीतेगो। गोल पड़े होने 2 बजे पक्ष गट्टा गट्ट कर आगे धर्मिया गिरे। अच्छा, मोदी राष्ट्र बढ़ाना चाहता है, विश्व गुरु बनाना चाहता है मोदी। जिसमें तो 750 पोल बीजेपी के हैं। जो बोला है तो है, इसमें क्या तो है, इसमें क्या रोल है, धक्का क्या बुरा रखी है। मेरा काम की रिपोर्ट है, तेरे 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 गांड है, तेरे तेरे क्या रिपोर्ट है, कंफर्म कर लिया आ रहा है। कल बात 4 तारीख में बैठ खड़े कौन आज के बीजेपी, और बोल 4 तारीख ने मेरा पट जाएगा, 4 तारीख ने मेरा पट जो टाइम करा मुद्दा मुंह सोगा, क्या मिस होगा, सोगा क्या मिस, और बोल बीजेपी आवे कौन की, क्लियर आओगी 200 को नहीं आओ, क्लियर सारी 200। राजस्थान में मान ली 112 सीट तो मान ली कंफर्म क्लियर जीत है, बावड़ी बात करना रहे हो, बीजेपी कौन है, कांग्रेस की है, क्लियर है। चलो ये भाई हसी मजाक साहब का आया भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, कौन सा काम है, तलवाणी, तलवाणी हल्का लोहारू, हाँ हल्का लोहारू, क्या रिपोर्ट है आपके गाँव, कितने पोल हुए टोटल, आया भाई 864 से 863 वोट से। अच्छा, और ज्यादा किसके रहे, ज्यादा कांग्रेस वाला राव दान सिंह का, क्या कारण था, कारण कोई हमने कौन बेरो भाई, इतना हम तो 8-8 बजे काम करा हम अपन, इतना बेरो है तो। अच्छा, लोहारू की बात करो तो क्या लगा है तुमका जीत भाई, हमने तो राव दान सिंह जीत तो लगे, परिवर्तन होगा मतलब, हाँ अपने का तो यह कंडीशन है। राम राम, कौन सा काम अपना, मेरा बख्तारपुरा, क्या रिपोर्ट है काम की, बख्तारपुरा कांग्रेस जीत की जा, कारण क्या रहा, कारण तो ये बेरोजगारी मैन मुर्दो, किसान मैन मुर्दो है, और अगर हल्के ही बात करा तो क्या लग रहा है, हल्के में दान सिंह जीत की लिगड़ा है, दान सिंह जीत की लिगड़ा है, हाँ मुद्दा ज्यादा बड़ा, हाँ बेरोजगारी का किसान मुद्दा ज्यादा है बड़ा। फिर आपका हल्का के विधायक तो वित्त मंत्री है, तो वो रुझान भाई, मारा गांव बख्तारपुर है, मारे गांव की मेन गली है, 3 साल होगी जब पिदलाल को वो अप्लीकेशन देना वानुकिन पड़ी है, चाल ही दिखा दी मैंने, हाँ काम नहीं हुए मतलब, बिल्कुल कोई काम नहीं करे, यार तीनों योजना हमारा गांव से दलाल जीत की निकला है। अच्छा, हाँ लेकिन हमारा गांव में कोई ईंट नहीं लगाई, मेरी बात सुन ले, मैं तू ना राजस्थान मान दिया, ना यूपी मान दिया, और ना मान ले के खड़े को नहीं आन दिया, अरे मोदी ने तो मान ले के 5 किलो दाना दे दी है, बात सुन ले, 5 किलो तो ये दाना दे दी है, ठीक है, और मान ले के एक जोड़ो दे दी, और मान ले के एक तेल की बोतल दे दी है, के करांगा जट्टा डाबरान शिक्षित यो होन कोंदे और कोनी होन दे, यो माने यो करे के है के ई माने हॉस्पिटल माने के फ्री है, यो कह स्कूल में फ्री कोन का, बोले हॉस्पिटल है, माने स्कूल को नाम लेवे ने तो बोले हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की जगह माने के स्कूल, यानी विरोध कोई नहीं, क्या गुआर को खड़ो है, छपारी काम है भाई, कौन सी छपारी, ठाकराणी, ठाकराणी छपारी, हाँ तो तार तो बीजेपी का जोर था ना, हमारे कांग्रेस का जोर है, बीजेपी जीती करे जीती को नहीं, मारे काम है, कितने वोट पोलो है टोटल, मानन कौन मेरा, हम हमारा वोट गिर गया है कांग्रेस का। अच्छा, हाँ तो कितने लीड ली है बीजेपी कांग्रेस ने आपको, गणे फालतू है, बीजेपी कोई नहीं उड़ा है, कोई नहीं ना, राम राम भाई साहब, कितनी की लीड ले जा लोहारू, क्या लगा वाले अच्छी लीड ले जाए, वैसे भिवानी मंदिरगढ़ से 1 लाख से पार जीत है इसकी, 1 लाख तो पार जीत है, 1 लाख से पार। अच्छा, यह सेम बात है, अच्छा हाँ। क्या नाम से, मेरा नाम है शिव कुमार, शिव कुमार अर्थवण थे, हाँ तो वोट पोल हो है, के लाग है, कौन सा जीत में है, धर्मवीर रावदान सिंह, धर्मवीर है, कारण के है, कारण राष्ट्र का कारण है, मोदी राष्ट्र बढ़ाना चाहता है, विश्व गुरु बनाना चाहता है मोदी, हाँ फिर विश्व गुरु के लिए मोदी को वोट दिया है, 3 योजना में भी। अच्छा, सिर्फ हम
हमारे बच्चों को आने वाली पीढ़ी को गुलाम देखना नहीं चाहते, ठीक है। हमारी पीढ़ी को गुलाम देखना नहीं चाहते। आज़ादी के बाद में जो आंगली लगाई है 370 राम मंदिर, ताज महल, ताज मंदिर था, मथुरा और के बताऊँ, वह के बोले अगर ये हवाई जहाज बनाना 47 बनानी खड़े खड़े थी, हम तो मरे पड़े था। अटल जी का सपना पूरा कर रहे हैं मोदी जी, तीसरी बार सेंटर में मोदी जी। और क्या बात है, 406 सीट, 406 सीट, 406। अच्छा हाँ मोदी जी भैया, कौन सा काम अपना सिवानी है? भेरा 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 है। हाँ तो तार एक तरफा बॉलिंग करी थी। हाँ एक तरफा बॉलिंग करी है। तो फिर धर्मवीर जीतेगा, धर्मवीर जीतेगा। हाँ भिवानी से, भिवानी से। हाँ रुझान दूसरा परिवर्तन की बात करें करें से बाकी दिन गोट डोल पड़े होने 2 बजे पक्ष है गट्टा गट कर आगे धर्म गिरे। अच्छा 1 लाख से जीतेगा, 1 लाख तो धर्मवीर जीतेगा। हाँ के कारण है, मतलब परिवर्तन के लिए देखी थी कारण मोदी ने काम करिए है। एक बात ज्यादा नसा भरी ब्याह हो काम करिए मोदी ने 4 तारीख ने के है हम मोदी जी काम करिए मोदी ने और काम के चाहे फ्री है। हां भाई साहब की तरफ से साथ के साथ चलो भाई, खुशी का बड़ा बड़ा तरीका है। राव राव बताओ कौन सा काम है आपका? जो है मेरा काम सिवानी। हां तो फिर वोटिंग हुई है के लगा के रुझान है सिवानी ज़्यादा जीत की है। मेरा गांव गढ़वा है, मैं तो कांग्रेस की जीत कितने टोटल पोल कितने हुए थे गढ़वा? मुझे नहीं पता, मैं तो पहले आ गया था गांव। अच्छा। से पहले जीत है, वैसे जीत है 100-150 वोटों की जीत है बूथ पर। अच्छा गढ़वा जो खरकड़ी मिला के इकट्ठा। अच्छा दोनों का मन मिला के राधा सिंह जीत के निकले। हाँ जी तो के कांड रहा है कि भाई 2 बार के सांसद हार गया आपका काम? कांड तो बेरोजगारी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत फैक्टर हैं, एक थोड़ी है। और अगर किसान का है सबसे बड़ा मुद्दा। अड़ोसी पड़ोसी का मैं बात करा तो और काम ही रिपोर्ट होगी। अड़ोसी पड़ोसी यही है बस मेन फैक्टर, तो किसान वाला, बेरोजगारी वाला, एजुकेशन वाला, हेल्थ वाला। कौन सा काम आपका? यही सिवानी। आड़ा के रुझान है सिवानी का? सिवानी बेरो को नहीं, हम तो काम करने आदमी रोजाना हो के बेरो है ना। अरे भाई कांग्रेस जीत गई, ब्याने अलगो कांग्रेस ने जिता गयो और राव दान सिंह जीतेगो, अच्छे वोटा जीतेगो, गाँव में हर गाँव में बढ़ रहे, शिवानी बराबर है। अच्छा हाँ प्रोपर शिवानी, जो शिवानी का रहने वाला हूँ और अपने सोरे एजेंट भी थे, मैंने सारा 13 वार्डा सर्वे कर लिया। अच्छा हाँ तो शिवानी बराबर है, पर तो सोने बीजेपी का मानना है नहीं। अच्छा हाँ कांग्रेस बराबर है। अच्छा अड़ोसी पड़ोसी काम किया और का है पर कोई और के गांव में हर गांव की बढ़त बतावा है, जब भी जो आदमी बाहर का मिले है उसने पूछा यह है भाई कांग्रेस के ज़्यादा। अच्छा हाँ चलो धन्यवाद, बता दो राम राम। तो राम राम साहब उस साइड देखो कौन सा काम अपना? बख्तावरपुरा। बख्तावरपुरा तारत कौन सा जीता? मारते हैं 15-20 को डिफरेंस है, अभी कौन सो चीज़ें कांग्रेस जीत गया बीजेपी जीत गया। अपना बख्तावरपुरा काम है बुरेरा है। बुरेरा हाँ। आपके काम में कितनी बोलिंग टोटल पोलिंग कितनी पोल हो? ये 25-8 पोल है। अच्छा हाँ और ज़्यादा किसके रहे? पूरी टक्कर है दोनों की, जबरदस्त टक्कर देखने हाँ। मिल रही है बिल्कुल टक्कर है। तो फिर हल्के की बात करा तो केला का ओवरऑल केरा का लो आपका मतलब केला का है? देखो टक्कर है पूरी, कौन सा जीता है वही बात है। मैं भी रेयरली चांस तो इसका ही धर्मवीर का ही है, मतलब कई पोलिंग मतलब कई बात इसी भी हो, एक अपा अंदाजा ही मार सका और तो 4 तारीख ने मेरा लगेगा बात है। हाँ। तो धर्मवीर जीतता लिखता लगा, मैं भी रेयरली चांस तो धर्मवीर का ही है। अच्छा अच्छा हाँ। तो फिर के कारण रहे परिवर्तन की हवा बताऊँ थे? परिवर्तन की हवा मतलब है खुद तो खराब सिस्टम धर्मवीर ने कर रखे अपना खुद का वो देखो तो, एक दूसरी बात यही है भी लोग इस चीज़ ने चाहो भी एक संविधान लोकतंत्र बचाने के चक्कर में ज़्यादा इसमें वो भाजपा हो तो संविधान पकड़ा दिक्कत आ रही मेरे आवास में नहीं दिक्कत है वो ही है मतलब इतनी भी 2 साल तक मतलब बनते आने लगातार तीसरी योजना में है कि मतलब एक तानाशाही के हिसाब से भी उस हिसाब से भी लोग मतलब खिलाफ हो रहे हैं ज़्यादा बीजेपी के। धन्यवाद भाई। राम राम भाई राम राम भाई कौन सा काम हमारा?
डाने बुला रहा। हाँ। तो कितने टोटल वोट कितने पड़े आपके गांव में भाई? वो ध्यान में कौन है जीत की कौन सा लगड़िया है? जीत की तो भाई ये कांग्रेस धन सिंह जीते है। हाँ, हाँ। तो आपका तो फिर खास काम माना जाया करता, मतलब आर तो बीजेपी के वोट ज़्यादा थे ना? ना यो के नाम से उसकी वजह तो जीती है, 30 वजह थे। अच्छा फटी यार रुझान ज़्यादा हो गया। हाँ फटी ज़्यादा। और अलका की बात करा तो और सुपड़ोसी पड़ोसी काम का एक था बेरा कौन सा जीतया है भाई? इतना जानो कौन कौन धन्यवाद। राम राम। पहले तो अपना काम बता दो जनता ने। मेरा नाम राजीव मतानी। तो मतानी में टोटल पोलिंग कितनी हुई? टोटल पोलिंग 1318 वोट की हुई। ज़्यादा किसके पड़े? ज़्यादा कांग्रेस के। कारण क्या था? कारण तो मोदी का विरोध है और हमारे गांव में पहले भी कांग्रेस हावी रही है। अच्छा। हाँ लगातार कांग्रेस जीतती रही है। अड़ोसी पड़ोसी गांव का एक आधा और का है रिपोर्ट? हाँ मेरे पास कई गांव की है। हमारे पास मिट्टी गांव है जिसमें दो तिहाई कांग्रेस के हैं और तीसरे बीजेपी के हैं। शिवाज गाँव में भी यही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। फिर छोटी मंडोली जो है उसमें भी करीबन 500-600 वोट की लीड है कांग्रेस की। छोटी मंडोली में? हाँ छोटी में। अच्छा। और बड़ी मंडोली में भी करीबन 500-700 की लीड है कांग्रेस की। कलाली में भी, बीदवान में भी, डाणी बाकरा में भी, मोरका गांव में भी। तो फिर अलका लुहारू के करेगा इबकाला, किस तरफ ज़्यादा रुझान है फिर? नहीं अलका लुहारू कांग्रेस की तरफ। कितनी की लीड मानो? मेरे अंदाज़ा 20 के आसपास की लीड होनी चाहिए। 20-22 हज़ार की लीड ले जाएगा आराम से। फिर रिश्तेदारी में जान पहचान में कड़ा एक आधा काम की और बेरा पाड़ी ना कौन बेरा था? नहीं अपना कौन सा काम भाई? बख्तारपुर है भाई। तो जी जो है सिवानी शहर में थे, हल्का लोहारू के अंदर थे और रुझान लिए है लोगों के कि के लागा है कौन सा काम की के रिपोर्ट है, किसका रुझान ज़्यादा है, किसके वोट ज़्यादा हैं। और हल्का की अलग अलग की रिपोर्ट आई अपने तो रहे शारोक भाई रिपोर्ट भी आई, बैतूसाम हल्का की रिपोर्ट भी आई, हल्का लोहारू की रिपोर्ट भी आपने ली है। तो अलग अलग गाँव की रिपोर्ट आपने ली है और आगे भी लेते रहेंगे ताकि मेरा पटा ये भाई और बैठे इनके अनुभूझ लें अगर कौन सा बताना चाहोगा तो। राम राम। राम राम। कौन सा काम है? शिवानी। कौन सा वार्ड अपना? 12 नंबर। तो क्या रिपोर्ट रही है आपका वार्ड? 12 में बीजेपी। बीजेपी ज़्यादा क्या कारण रहा? क्योंकि परिवर्तन के लिए यार सुना नहीं ऐसे को वार्ड में कौन? अच्छा सही है। और अलका की बात करा तो अलका कोई आइडिया कौन है? अपना कौन सा काम भाई? बाहर से है। अच्छा जयपुर से। जयपुर से। जयपुर की बता दो आपके जयपुर की बता दो। तो वोट पड़े हैं देखो जय मतलब मैं तो पंजाब में ही रहूं। अच्छा तो जयपुर के बारे में तो जानू बनी। अब ये जो केजरीवाल साहब जो अंदर गए हैं तो उससे कुछ अलग है परिवर्तन आओगा जनता में? देखो अंदर जाने से का कोई परिवर्तन नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरफ जो मतलब देश का विकास जहां हो रहा है ना लोगों को उस तरफ जाना चाहिए। तो विकास अब 10 साल में होया है? बिल्कुल होया, क्यों नहीं होया, क्यों नहीं होया, विकास तो यही है। अब परिवर्तन के लिए बताऊं कितने कितने भारत में उनको इंदिरा गांधी की दाढ़ हुआ रुझान दोबारा पिछले 10 साल में जो जो चीज़ें हुई हैं वह आज से पिछली 10 साल में को नहीं हुई। अच्छा पिछले ये 10 साल के अंदर जो जो बीजेपी के टाइम में जो काम हुआ है वह पिछले 10 साल में क्यों को नहीं हुआ? तो आप ये 10 साल बेटर मानो हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राम राम भाई साहब। राम राम। कौन सा काम अपना? गाँव मिट्टी है। मिट्टी की रिपोर्ट है? मिट्टी की। मिट्टी से तो कांग्रेस ही जीतते थे। कांग्रेस जीतते थे। हाँ। कितने वोट पड़े हैं कोई आइडिया है? 1433 वोट पोल है। और कांग्रेस के टोल में कितने आए? 800 के करीब। अच्छा तो दो तिहाई वोट मतलब आपने कांग्रेस के टोल में पड़ गए। हाँ क्या कारण रहा? कारण तो मेरा कौन जी कारण तो कह रहा है लेकिन जो लहर मरनी थी भाई परिवर्तन चाहते थे उस हिसाब से मतलब चेंज कर दिया। अच्छा और एक आधा अड़ोस पड़ोसी गाँव का कोई जानकारी है? अड़ोस पड़ोस के गांव के तो किसी को खास जानकारी नहीं। नमस्कार। अपना कौन सा काम है? तलवंडी बादशाहपुर है। तलवंडी बादशाहपुर है डिस्ट्रिक्ट हिसार में। तो लोकसभा हिसार में आपका गांव आओ है और गांव की क्या रिपोर्ट है? गांव की बीजेपी की है सर। ज़्यादातर बीजेपी की है? बीजेपी की है सर। तो भाई साहब कहना नारी परिवर्तन की लहर तो वो फिर आपके गाँव में क्यों नहीं दिखाई देती? नहीं वो लहर अलग चीज़ है, काम अलग चीज़ है। अच्छा हाँ जिस पार्टी ने काम किया है
वो आगे वाली पार्टी नहीं कर सकती है। अच्छा हाँ, जो बीजेपी की राज में जो काम है, जो मोदी जी ने काम किया है, वो आगे किसी पार्टी काम नहीं कर सकती। उनके पास ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है जो वो काम करेगी। तो ये केला का है इस लोकसभा बात करा तो उड़ा पैच फंस रहा है बीजेपी और रणजीत का बीच में जबरदस्त टक्कर ना। रणजीत जीतेगा एक तरफा। एक तरफा बिल्कुल कन्फर्म है। कन्फर्म है हाँ जी। चलो भाई, तो जो है जनता का भोजन बना रहे थे और शाम का समय हो चुका है। बड़ा प्यारा शहर शिवानी छोटा सा है, एक बार दिखा दे भाई शांति पूर्वक परमित, फिर खत्म करते हैं वीडियो ने। अपने अपने रुझान दरे हैं, अपने अपने विचार दरे हैं, और जो है आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए। जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि आप रुझान दो, तो भाई वीडियो में आपने उन्होंने तो बता दिया कि भाई रावदान सिंह जीतेगा, धर्मवीर सिंह जीतेगा, लेकिन ये चीज़ बताओ कि आपका गाँव कौन सा है, हल्का कौन सा है, और कितने वोट पोलो यहाँ कौन जीतते हैं। ये चार चीज़ अब जो मेरी वीडियो देखने आ रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शक चाची ताइए भाण भाई ने अपने राम राम जी।